नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शारदीय नवरात्र की पंचमी तिथि पर मान्यता अनुसार हुआ स्कंद माता का पूजन। नितेश मौर्य की हत्या मामले में सपा कार्यकर्ताओं और परिजनों ने लगाए कई गंभीर आरोप, सीबीआई जांच की हुई मांग। क्षमता से अधिक भीड़ होने के चलते फातमान स्थित लॉन में आयोजित डांडिया नाइट को पुलिस ने कराया बंद। और चौक थाना अंतर्गत नीचे बाग स्थित साड़ी की दुकान में लगी आग। और अब खबरें विस्तार से। शारदीय नवरात्र की पंचमी तिथि पर मान्यता अनुसार स्कंद माता का पूजन हुआ। जैतपुरा स्थित मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। शारदीय नवरात्र में पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। इन्हें बागेश्वरी देवी के नाम से भी जानते हैं। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। मां की चार भुजाएं हैं। दाई तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाई तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इसका काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। शारदीय नवरात्रि में देवी मंदिरों में भक्तों का रेला लगा है। मां दुर्गा की पांचवी अवतार स्कंद माता के जैतपुरा स्थित मंदिर में भोर 4 बजे से ही भारी भीड़ उमड़ी रही। ये मंदिर केवल नवरात्रि में ही पूरे दिन खुलता है। मंदिर में आने वाले भक्त माता को मनपसंद पीली वस्तुएं अर्पित कर रहे हैं। माता को पंचामृत स्नान कराया गया। इसके बाद गुड़हल, गेंदा और गुलाब के साथ नारियल, चुनरी और पीली बर्फी चढ़ाई गई। माता का भव्य श्रृंगार काफी निराला है। मंदिर में आज भारी संख्या में छात्र छात्राएं भी पहुंच रहे हैं। कहा जाता है कि स्कंद माता वागीश्वरी देवी की रूप है। मंदिर के महंत गोपाल मिश्रा ने बताया कि मां की पूजा करने से सभी बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। जिस तरह मां अपने बच्चों को ममता देती है, इसी तरह माता भक्तों को वात्सल्य देती है। माता का दर्शन करने से भक्तों के तेज में वृद्धि होती है। यदि माता का आशीर्वाद मिल गया तो कुछ भी असंभव नहीं है। हिमालय पर रहकर सांसारिक जीवन जीने वाली माँ स्कंद माता अपने गोद में कुमार कार्तिकेय को लेकर माँ बागेश्वरी देवी मंदिर जो जैतपुरा में स्थित है वहाँ विराजमान है। आज नवरात्र का पांचवा दिन। नवरात्र के पांचों दिन माँ स्कंद माता का दर्शन होता है। जिन माताओं बहनों को पुत्र की प्राप्ति में किसी प्रकार की विविधा उत्पन्न होती है उन्हें माता का विशेष रूप से आज का दर्शन करना चाहिए, और जो बोलने या चलने में किसी प्रकार की दुविधा होती है उन्हें भी माता का दर्शन करना चाहिए। नीचे माँ नीचे तीन सिद्धिपीठ मूर्तियों में माँ सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली में जो नीचे माँ बागेश्वरी देवी स्थित उन्हें सरस्वती जी का रूप कहा जाता है। जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उनको माँ बागेश्वरी देवी का दर्शन जरूर से करना चाहिए। ज्ञान की देवी कहा जाता है। 3:30 बजे आरती पूजा होने के बाद पंचरथ से माँ का श्रृंगार हुआ, उसके बाद फिर आरती पूजा, उसके बाद पट खुल गई। नितेश मौर्य की हत्या मामले में सपा कार्यकर्ताओं और परिजनों ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की।
वाराणसी में विगत दिनों शिवपुर थाना अंतर्गत नितेश मौर्य की हत्या की सीबीआई जांच करने के लिए परिजनों सहित समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वाराणसी के जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन पत्र एसीएम सेकंड अशोक यादव को सौंपा। मृतक की मां ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता के शय पर कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा नितेश की हत्या कर दी गई और इसको आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि जिस लड़की को भगाने के आरोप में नितेश को प्रताड़ित किया गया उस लड़की का संबंध भाजपा नेता से है। ऐसे में पुलिस पूरे मामले की लीपापोती कर रही है। ऐसे निष्पक्ष जांच हो पाना संभव नहीं है, इसके लिए सीबीआई से जांच कराना चाहिए और दोषी लोगों को दंडित किया जाए। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़, पूजा यादव के साथ साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता और मृतक के परिजन उपस्थित रहे। जब असली मामला मैं बताऊंगा कैसे काटे कप्लान लड़का लड़की के भगाने के इंतजाम में। हाँ तो लड़का लड़की के भगवले हो। इस प्रकरण में आप लोग आए थे, उनको न्याय दिलाया? देखिए, जिस तरीके से नितेश मौर्य की निर्मम हत्या हुई और उस हत्या पे यहाँ के तथाकथित मंत्री लीपा पोती करने का और अपने करीबियों को बचाने का काम कर रहे हैं, वो बहुत निंदनीय है और हम उसकी निंदा करते हैं। पूरी समाजवादी पार्टी नितेश मौर्य के साथ लगी हुई है। ये जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जब तक मंत्री को बर्खास्त नहीं किया जाएगा और इसकी सीबीआई जांच की मांग करते हैं हम लोग और पीड़ित परिवार को मुआवजे की मांग करते हैं और सरकारी नौकरी की मांग करते हैं। जिस तरह से बात की जाए यादवों को लगातार इनकाउंटर हो रहा है, उनकी मूवमेंट में हत्या हो रही है, तो क्या लगता है इसमें किसका हाथ है? देखिए, ये जो सरकार है ना, इनको मानवता से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि बीएचयू की बिटिया के संग बलात्कार होता है और इनके आईटी सेल के कार्यकर्ता बलात्कार करते हैं और यहाँ का थाना लीपापोती करता है, और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मानवता की हत्या हो रही है। ये एकदम कठोर सोच वाले लोग हैं। इनको सिर्फ अपनी जेबें भरने से मतलब है, जनता के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। पुलिस लगातार लीपापोती कर रही है, क्या कहेंगे इसका? ये सत्याकांड में पुलिस लगातार लीपापोती कर रही है। देखिए, ये मंत्री के सह पे सारा कुछ हो रहा है। मंत्री के करीबी हैं तो मंत्री अपना पूरा प्रोटोकॉल, पूरी ताकत, पूरा पावर लगा के भाजपा वाले इनको बचा रहे हैं, अपराधियों को। तो हम पूरे समाजवादी पार्टी के लोग अपील करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और परिवार को राहत मिलनी चाहिए। लड़के, दो लड़की भागे हुए जो, तो हमारे भाई भी मतलब आरोप लग रहा था कि यही भगाया है। दो पुलिस वाले रात को आए, धमकी समकी दे रहे थे, गाली गलौज भी दिए उन लोग ने। उसमें मेरा भाई डर के भाग गया। और जो लड़की भागी थी, अनिल राजभर के काम करती थी, वो जो काम करती थी अनिल राजभर ने, मतलब जो हत्या कराई है अनिल राजभर का रोहत हुआ है। पाँच लोग का हम लोग नाम दिया है, पाँचों लोग यही लोग मारे। पुलिस क्या करी, कितने लोग गिरफ्तारी? पुलिस पाँच लोग को गिरफ्तारी की नहीं की, उन लोग दिखाई नहीं हमको। अगर गिरफ्तारी हुई तो देख बताना चाहिए ना, मतलब खाली बता रहे हैं हो गया है, पर दिखाए नहीं हम लोग को। एक दिन पहले पुलिस आई थी, दो कैसे आए थे? दो तो जो पुलिस आई थी वो मतलब आई थी, पूछ रहे नितेश मौर्य हैं क्या, वही पूछ रहे थे। उसका दो लड़के भगाने में उसका हाथ है, तो हमने बोला ठीक है अगर हाथ है तो हम सुबह लेके आते हैं। पर उन्होंने धमकी धमकी देने लगा, गाली फरोश देने लगे, बोले तुम अभी चलो निकल, तुम्हारे घर में घुस के तैसी कर देंगे। पुलिस इस पूरे प्रकरण को सुसाइड बता रही है प्रथम दृष्टया जांच में, आप लोग जिला मुख्यालय? देखिए, इसमें जो पुलिस वाले भी बता रहे दबाव आने के बाद, मतलब तीन दिन लगातार मंत्री जी अभय प्रजापति यहाँ के हम लोग का पार्षद है, उन लोगों ने तीन दिन जाके दबाव डाला वहाँ पे थाने पे। फिर कुछ दिन के बाद पुलिस वाले आए, ये खुलासा यही किए थे अपने हाथ में हत्या अपने से किया है। भाई सामने देख के बोलिए। ठीक, सामने बोलो। ठीक, क्या एक हफ्ता पहले अकाशी बिजली से मिर्जापुरा थाने में महिला बच्ची, अकाशी बिजली से
महिला का मृत्यु हुआ और उसको क्या दिखा रहे हैं आप बताइए उसको हम लोग माफ करेंगे। क्षमता से अधिक भीड़ होने के चलते फातमान स्थित लॉन में आयोजित डांडिया नाइट को पुलिस ने बंद कराया। सिग्रा फातमान स्थित लॉन में आयोजित डांडिया नाइट को पुलिस ने बंद कराया। क्षमता से ज्यादा भीड़ होने के कारण पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्यक्रम को बंद कराया। लोगों का आरोप रहा कि आवश्यकता से ज्यादा पास और टिकट बेचे जाने के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई। इंस्पेक्टर सिग्रा का कहना रहा कि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर आयोजन को बंद करवाया गया। आयोजकों ने लॉन की क्षमता से अधिक भीड़ को जुटा लिया था। नहीं हम वो नहीं फालतू काम है। आप लोग अपने अपने घरों के लिए निकलें। तो दी भेज रहे जाइए जाइए चलिए आप जाइए। चौक थाना अंतर्गत नीची बाग स्थित साड़ी की दुकान में अचानक आग लग गई। चौक थाना क्षेत्र के नीची बाग स्थित साड़ी की दुकान शाकुंतलम फैब्रिक्स बिल्डिंग में रविवार देर रात अचानक से आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही 3 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। आग पर काबू पाने का प्रयास जारी रहा। आग बिल्डिंग के 3री मंजिल पर लगी थी जिससे आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। दुकान के मालिक बलदाव व चौक थाना प्रभारी समेत अन्य पुलिसकर्मी घटना के समय मौके पर मौजूद रहे। सीधा जाना पड़ेगा। जाओ अंदर धुआं अंदर आग नहीं जो धुआं आ जाओ यहाँ सीधा किनारे भीजिए। यह वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय तेलियाबाग विशाल खेल मैदान में नवरात्र विजय दशमी पर महाकाल इंटरप्राइजेज लाया है सिंगापुर वैली एवं विदेशी फिश टनल मछलियों का संग्रह। परिजन के साथ बच्चों को लुभाएंगे, आकर्षक विदेशी झूलों का आनंद उठाएंगे काशीवासियों की मांग। ध्यान रखते हुए सिंगापुर वैली फिश टनल मेले में विभिन्न प्रकार के झूला जिसमें पहली बार मिक्सचर झूला, लेडीज व बड़े लोगों के लिए जंपिंग झूला, घूमने वाले ड्रैगन ट्रेन, बेहतरीन क्रॉस झूला सहित दर्जनों देशी विदेशी झूला, कोलंबस नौका का आनंद पिकनिक स्पॉट के रूप में आपकी सेवा में उपलब्ध है। सिंगापुर वैली मेले में कानपुर से आए राज रेस्टोरेंट में मुंबई की मशहूर चौपाटी, भेलपुरी, बर्गर पानी पूरी तथा विभिन्न मनमोहक व्यंजनों का खजानों का स्टॉल है। काशी की जनता के सेवा में घर संसार में सभी प्रकार के घरेलू वस्तुएं, कानपुर के लेदर पर्स, बैग, बेल्ट, आगरा की मशहूर चमड़े की चप्पल, जयपुर व फिरोजाबाद की मशहूर लाख वाली चूड़ियां, राजस्थान के मशहूर अचार, भदोई की मशहूर कालीन व दर्शनों स्टॉल आपकी सेवा में लगाया गया है। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अर्दली बाजार स्थित मद्रास क्लॉथ स्टोर में ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए कपड़ों की नई रेंज उपलब्ध है। आगामी त्योहार को देखते हुए नगर के अर्दली बाजार स्थित मद्रास क्लॉथ स्टोर में नए कलेवर के साथ कम्फर्टर, सोफा कवर, लेडीज शॉल, चादर, कंबल, तौलिया, बेडशीट सहित रेमंड्स ब्रांड के फैब्रिक सहित कई वैरायटी के कपड़े और अन्य नामी गिरामी कंपनियों के कपड़े उपलब्ध हैं, जहां एक ही छत के नीचे ग्राहकों के लिए नए नए डिजाइन में इन्हें उपलब्ध कराया गया है, जो कि ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए उचित मूल्य में उपलब्ध है। कई
ब्रांड के कपड़ों के साथ छूट भी दी जा रही है। दुकान के अधिष्ठाता अपूर्व अग्रवाल ने बताया कि यह त्योहार लोगों के लिए खुशियां लेकर आया है। हमारे अर्दली बाजार शॉप में आइए और नए नए डिजाइन के सभी प्रकार के वस्त्र उपलब्ध हैं, जिनकी जमकर खरीदारी करिए। ये प्रतिष्ठान अराउंड 100 साल पुरानी है। एक पुरानी ब्रांच चौक पे है, अभी नई ब्रांच अर्दली बाजार भोजोबीर पे खुली है। हमारे यहाँ आपको रेमंड्स और लिनन क्लब के पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का मिल जाएगा, सब चीज़ कपड़ा। और अभी अपने लोग ने ऊपर कंबल, चादर, तौलिया सब चीज़ किया हुआ है, तो कृपया इस फेस्टिव सीज़न में आएँ और एक बार पधारें और पूरी अपनी रेंज देखें। यहाँ पर सूट लेंथ, कॉम्बो पैक्स, कम्फर्टर्स सब चीज़ मिलेंगे अपने यहाँ। कंबल्स मिलेंगे, लेडी शॉल्स मिलेंगे, तो कृपया आए और एक बार इस फेस्टिव सीजन में हमारी पूरी रेंज देखें आप। तो आगामी त्यौहार को देखते हुए कुछ छूट वगैरह भी ग्राहकों? जी, हमारे यहाँ रेमंड्स के बेडशीट्स पे, मोंटी कार्लो की बेडशीट्स है, कंबल है, उस पर 10-20% की जो जनरल छूट होती है वो तो मिलेगी। बाकी उसके ऊपर होलसेल में अगर आप लें तो 10-15% की और काफ़ी छूट मिल जाएगी। छूट है, बाकी आपको रेंज भी मिलेंगी, यहाँ पर नई रेंज देखने को मिलेंगी पूरी सब चीज़ की, तो आप आएँ एक बार, कृपया पधारें। तो अपने सम्मानित ग्राहकों से क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारा ये है कि हमने काफ़ी मेहनत की है इधर 3-4 महीने में, कि आगे का जो 6 महीने का त्यौहार का सीज़न है, शादी का सीज़न है, उस पर पूरी रेंज जुटाने में सब चीज़ का है। सूट लेंथ का है, पैंट शर्ट का है, कुर्ते का है, कंबल्स का है, कंफर्टर्स है, चादर है, शॉल्स है, तो एक बार आएं, कृपया पधारें यहाँ पर और हमें मौका दें। बीएचओ में छात्रों के निलंबन मामले में आयोजित सभा में कांग्रेस व सपा के लोगों ने पहुंचकर छात्रों से वार्ता की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आईआईटी में छात्रा से हुए गैंगरेप मामले में 13 छात्रों के निलंबन का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। परिसर के विश्वनाथ मंदिर प्रांगण में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और सपा नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव आयोजित सभा में पहुंचे। विश्वविद्यालय में आयोजित सभा को देखते हुए बीएचयू प्रोक्टोरियल बोर्ड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन सभा का आयोजन किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि 11 माह पहले की घटना पर अब विश्वविद्यालय के 13 छात्र पर कार्रवाई की गई, ये पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जब हमने पहले ही बताया कि आईआईटी बीएचयू की घटना में आरएसएस एबीवीपी के लोगों का हाथ है, तो मेरे ऊपर एफआईआर करा दिया गया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में जितने लोग भी पढ़ और पढ़ा रहे हैं, उनको सब पता है कि विश्वविद्यालय में गलत फैसले लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं गुजरात से नहीं आया हूं, यहीं काशी की मिट्टी से जुड़ा रहा हूं और इस मुद्दे पर छात्रों के साथ खड़े रहेंगे। वहीं सपा नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा कि अंग्रेजों के समय कोई बोलता था तो उसको बोलने नहीं दिया जाता था, वही इस समय हो रहा है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा था कि देश के बड़े से बड़े व्यक्ति के खिलाफ आवाज उठाया जा सकता है, सरकार मनमाना काम कर रही है। ये बीएचयू कैंपस में विश्वनाथ जी के मंदिर में एकत्रित हुए हैं और मैं स्वयं हूँ, हमारे नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के हमारे लाल बिहारी जी हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, सभी लोग एकत्रित इंडिया गठबंधन, जो ये निहागे बच्चों को जो अत्याचार अन्याय के खिलाफ, जो गैंग रेक, आईटी की बिटिया गैंग रेक के खिलाफ जिन्होंने आवाज को बुलंद किया, उन 13 बच्चों को यहां से उनको सस्पेंड किया गया है। और 11 महीने बाद करने का कोई औचित्य नहीं बनता। मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से ये दुर्भावना से ग्रसित निर्णय है, इसको तुरंत वापस लेना चाहिए और बच्चों का भविष्य का प्रश्न है। ये मेधावी बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, बच्चियां हैं, निश्चित तौर से इन लोग को सस्पेंड करना ये गलत है। और लगातार बीएचयू के अंदर अत्याचार अन्याय की चीजें हो रही हैं और जो रेपिस्ट है वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के पदाधिकारी अध्यक्ष है, उनको बचाने का पूरा प्रयास किया, पर इन बच्चों की जो आवाज उठाई, जो बुलंद की, जो विपक्ष के लोगों ने, इंडिया गठबंधन के लोगों ने जो बात उठाई, उस सब आवाज, मुझे लगता है कि उससे इन उस समय जो बात उठी उस पर थोड़ी कार्रवाई हुई, जेल भेजा गया, कोई कार्रवाई नहीं करते, घूम रहे थे,
उसके बाद इन बच्चों पर कार्रवाई कर रहा, मेरे स्वयं के खिलाफ FIR दर्ज कर दिया गया लंका थाने में। आप सोचिए, जो मैंने बोला था कि ये विद्यार्थी परिषद और अरसे से जुड़े लोग हैं, मेरे पर मुकदमा कर दिया गया। तो ये बोलने गुना है, सही गलत चीजों को उठाते रहेंगे। और रेपिस्ट को आपने छोड़कर उनका स्वागत अभिनंदन यहाँ के लोग कर रहे हैं, उनको गुलाब का फूल बरसाया जा रहा है। वो चले जेल छोड़कर घर चले गए दो लोग। और जिन बच्चों ने ये अत्याचार अन्याय के खिलाफ, उन रेपिस्टों के खिलाफ जो बात उठाई, उनको सस्पेंड किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसकी हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, इसको तत्काल वापस लिया जाए। और कल के प्रोटेस्ट में पूरी की ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के हमारे नेता सब लोग कल इनके साथ खड़े रहेंगे। छात्र और छात्राएं जो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया, उसको प्रशासन इसलिए जो है सस्पेंड कर रहा है कि भविष्य में अन्याय और अत्याचार के खिलाफ कोई खड़ा न हो सके। ऐसा इनको क्रश कर दो, ऐसा इनको दबा दो कि यहाँ पर जो भी अन्याय अत्याचार हो उसके खिलाफ कोई बोल न सके। यह व्यवस्था यहाँ के प्रशासन की है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। बच्चे राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं, बच्चे जो है अब पढ़ाई लिखाई करके अपना भविष्य संवारने के लिए आए हैं। हम यहाँ बीएचयू के प्रशासन से, आप लोगों के माध्यम से यह निवेदन करना चाहते हैं, उन बच्चों को विद्यालयों में वापस कर लें और उनको पढ़ने का अवसर दें, ताकि उनका भविष्य खराब न हो। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो इंडिया गठबंधन के सभी हमारे साथी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हो, समाजवादी पार्टी के हो, विभिन्न दलों के हो, सभी लोग इस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ जो है संघर्ष करने के लिए खड़ा होंगे। मारवाड़ी समाज वाराणसी द्वारा समाज के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। मारवाड़ी समाज वाराणसी द्वारा महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर युवा प्रतिभा सम्मान समारोह का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस आयोजन में कक्षा 10 एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। इसके साथ साथ उन छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने विभिन्न प्रतिष्ठापरक प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलताएं प्राप्त की हैं। समारोह के अंतर्गत प्रोफेशनल डिग्री प्राप्त करने वाले इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर व अन्य युवाओं को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वाराणसी के नगर प्रमुख अशोक तिवारी, संस्था के संरक्षक मंडल के अध्यक्ष रमेश कुमार चौधरी, मंत्री उमाशंकर अग्रवाल, दीपक बजाज, संस्था के अध्यक्ष प्रदीप तुलस्यान, प्रधानमंत्री मनोज जाजोदिया, महाराजा अग्रसेन जयंती के तेल चित्र पर पुष्प चढ़ाकर दीप प्रज्वलित किया। सभा का संचालन संस्था के समाज कल्याण मंत्री मनीष लोहिया ने किया। मंत्री उमाशंकर अग्रवाल, कार्यक्रम सलाहकार अनिल जाजोदिया, सुभाष चंद्र बांगला, जगदीश झुंझुनवाला ने अपने उद्बोधन में बच्चों का प्रोत्साहन उत्साहवर्धन किया। सम्मान समारोह के अंतर्गत 54 प्रतिभाशाली युवाओं के साथ साथ उनके माता पिता का भी अंगवस्त्रम, 50 ग्राम चांदी का सिक्का, स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मान किया गया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन हेमदेव अग्रवाल ने किया। पराक्रमी महाराजा अग्रसेन जी की आज जयंती है। हम लोग भगवान राम के वंशज हैं, परंतु महाराजा अग्रसेन जी ने क्षत्रिय धर्म को छोड़ करके वैश्य धर्म को अपनापन किया और उनकी जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग समाज के प्रतिभावान सभी बच्चों को जो है सम्मानित किया। कितने बच्चों को किया गया? 55 बच्चों को सम्मानित किया। क्या कहना चाहेंगे बच्चों को? बच्चों को ये संदेश है कि वो अपने भविष्य की उज्ज्वल कामना की करते हैं और बच्चे आगे बढ़े और जहाँ भी रहे खूब अच्छे से मेहनत करके आगे बढ़े। श्री दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों ने दशाश्वमेध ACP का सम्मान किया। श्री दुर्गा पूजा समिति द्वारा ACP दशाश्वमेध प्रज्ञा पाठक को सम्मानित किया गया। समिति के महासचिव मुकेश जायसवाल के हाथों उनका सम्मान हुआ। सम्मानित करने वालों में समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रोहित चौरसिया, रिंकू चौरसिया मंत्री, संजू गुप्ता पूजा मंत्री, सुरेश चौरसिया मेला प्रभारी इत्यादि पदाधिकारी शामिल रहे। अपने क्षेत्र के ACP महोदया का हर साल की भांति इस वर्ष भी समिति
अपने एसीपी का स्वागत और अभिनंदन किए। हमारी शो को लेकर के और प्रतिमा को लेकर के और भीड़ को लेकर के ये सारी वार्तालाप हम लोगों से हुई है, जो उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि सब पूजा को सकुशल मिल करके संपन्न किया जाएगा। अच्छा, देखा जाए तो भीड़ को देखते हुए भी किस तरह का व्यवस्था रहेगा आपके प्रकरण में? हर साल की भांति भीड़ तो यहाँ बढ़ती जा रही है और इस वर्ष भी उससे ज़्यादा चौकन्नी पूरी समिति यहाँ पे मौजूद रहेगी प्रशासन के साथ। प्रशासन के द्वारा, गाइडलाइन के द्वारा, पूरी प्रशासन की दी हुई गाइडलाइन को हम संपूर्ण पूर्ण कर रहे हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शारदीय नवरात्र की पंचमी तिथि पर मान्यता अनुसार हुआ स्कंद माता का पूजन। नीतीश मौर्य की हत्या मामले में सपा कार्यकर्ताओं और परिजनों ने लगाए कई गंभीर आरोप, सीबीआई जांच की हुई मांग। क्षमता से अधिक भीड़ होने के चलते फातमान स्थित लॉन में आयोजित डांडिया नाइट को पुलिस ने कराया बंद। और चौक थाना अंतर्गत नीची बाग स्थित साड़ी की दुकान में लगी आग। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।